बालाघाट नगरपालिका परिषद अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने अध्यक्ष का दायित्व संभालते ही जन सरोकार का अपना ध्येय बना दिया। बालाघाट नगरपालिका की अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने अध्यक्ष बनते ही कामकाज शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सुबह नपा परिषद में जाकर पार्षदों के साथ अधिकारियों की बैठक ली, फिर बस स्टैंड पर पहुंचकर साफ सफाई और यात्रियों से मिलकर सुविधाओं का जायजा लिया। यहां यात्री प्रतीक्षालय में बैठने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था कराए जाने के निर्देश भी उन्होंने दिए। वहीं नई बेंचों का निर्माण करने की बात कही। प्रतीक्षालय के सामने वाली पक्की नाली कवर करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। इसके साथ ही एक धर्मशाला के परिसर को सुव्यवस्थित करने की बात भी उन्होंने कही। आज हम सब नगर पालिका का पूरा अमला, अधिकारी, कर्मचारी, हम सभी ने बस स्टैंड का दौरा किया, यहाँ घूमे, लोगों की समस्याएं सुनी और यहाँ यात्री प्रतीक्षालय जो है, सुलभ शौचालय और इसके अलावा यहाँ जो एक पुराना गार्डन हुआ करता था जो अभी अब एक खुला स्पेस बन गया है, वो सारी चीज़ों को हमने देखा और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और जो भी यूजलेस चीज़ें उसके लिए हमने, मैं सारे दुकानदारों से यहाँ पे जो भी शॉपकीपर है उनसे निवेदन करूँगी कि वो कम से कम अपनी अपनी दुकानों के सामने एक बड़ा परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वो भी छोटी छोटी दुकान वाले भी आपको देखते हैं सीखेंगे कि हमें डिस्पोजल नाली में सड़क में नहीं फेंकना है। उसके अलावा हम जल्दी यहाँ पे बस चालकों की एक बैठक लेने वाले हैं और जिसमें ये प्रॉपर बसों की व्यवस्था को किया जाएगा कि उनकी जो धुलाई का काम यहाँ किया जाता है जिससे आना वाला दूसरे यहाँ पानी भरा रहता है उस पर भी रोक लगाई जाए और मैं एसपी महोदय से भी निवेदन करूंगी कि वो यहाँ पुलिस व्यवस्था को तैनात रखें।